दोस्तों, जैसे जैसे भारत की प्राइवेट कंपनियां रक्षा निर्यात के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा रही है, बिल्कुल वैसे ही भारत के अंदर विश्व स्तरीय और उन्नत रक्षा तकनीकों का विकास किया जा रहा है। इसी की कड़ी में अब भारतीय प्राइवेट कंपनी टाटा ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक ऐसे ड्रोन का विकास सफलतापूर्वक कर दिया है, जिसकी बदौलत अब भारत को इसराइल के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही इस ड्रोन के बन जाने की वजह से भारत को काफी सारे फायदे होने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टाटा द्वारा विकसित किए गए ALS-50 लॉयटरिंग म्यूनिशन के बारे में, जिसकी बदौलत अब भारत को इसराइल से इस प्रकार के ड्रोन खरीदने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसराइल से आज तक भारत अपनी ड्रोन की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी सारी डील कर चुका है और इसराइल के ड्रोन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन जैसे जैसे भारत के लिए खतरे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे भारत के लिए हथियारों का निर्माण स्वदेशी रूप से करना और जल्दी से जल्दी इन्हें तैनात करना एक काफी बड़ी परेशानी बन गया है। साथ ही विदेशों से खरीदे जाने वाले हथियारों की भारी कीमत भी भारत के लिए एक काफी बड़ी परेशानी है, क्योंकि अगर भारत विदेशी हथियारों को सीमित संख्या में खरीदता है तो कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन अगर भारत को इनका विस्तार करके ज्यादा बड़ी संख्या में इस्तेमाल करना है तो इन हथियारों की महंगी और भारी कीमत भारत के लिए परेशानी बन जाती है। वहीं पर इन सभी समस्याओं का केवल एक ही हल है कि हम इन हथियारों को स्वदेशी रूप से बनाएं। इसी की कड़ी में भारत ने अब काफी बड़ी सफलता हासिल कर ली है। टाटा द्वारा विकसित किया गया ALS-50 लॉयटरिंग म्यूनिशन अब भारत की इसराइल के ऊपर ऐसे हथियारों के लिए निर्भरता खत्म कर देगा। लॉयटरिंग म्यूनिशन एक तरह से सुसाइड ड्रोन होते हैं, जिसका इस्तेमाल दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए किया जाता है। ये ड्रोन कोई हथियार लेकर नहीं जाते, बल्कि ये खुद अपने आप में एक मिसाइल होते हैं। वहीं पर इनके अंदर कुछ किलोग्राम का वॉरहेड भी लगा होता है। ऐसे में एक ऑपरेटर इन्हें निर्देश देता है और ये अपने टारगेट को चुनकर उसके ऊपर हमला करते हैं। जहां एक तरफ लॉयटरिंग म्यूनिशन काफी खतरनाक और असरदार हथियार है, वहीं पर इनकी कीमत काफी भारी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसराइल से खरीदा जाने वाला लॉयटरिंग म्यूनिशन की प्रति यूनिट की कीमत भारत को लगभग $70,000 की आती है। वहीं ऐसे में अगर भारत इनका इस्तेमाल ज्यादा बड़े स्तर पर करना चाहे तो वह हमारे लिए संभव नहीं होगा, जबकि टाटा द्वारा विकसित किया हुआ ALS-50 भारत को काफी सस्ती कीमतों पर मिल जाएगा। साथ ही ये लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ऊपर हमला करने में सक्षम है, जो कि इसे अपनी श्रेणी के कुछ सबसे सक्षम और शक्तिशाली लॉयटरिंग म्यूनिशन में से एक बनाता है। दोस्तों, ALS-50 एक भारतीय हथियार होने की वजह से न कि केवल इसकी कीमत भारत को कम आएगी, बल्कि इसे भारत जितनी चाहे उतनी संख्या में स्वदेशी रूप से मैन्युफैक्चर करके तुरंत सीमा पर तैनात कर सकता है, जो कि भारत को अपने दुश्मनों के खिलाफ एक काफी बड़ा एडवांटेज देता है। दोस्तों, टाटा द्वारा विकसित किया हुआ ये 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखने वाला लॉयटरिंग ALS-50 न कि केवल इस तरह के हथियारों के लिए भारत की निर्भरता इसराइल से कम करेगा, बल्कि रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी ये भारत को काफी ज्यादा फायदा देने वाला है, क्योंकि ऐसे हथियारों की डिमांड यूक्रेन युद्ध और अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध के बाद पूरी दुनिया में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। बहरहाल, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने अब ये बात साफ कर दी है कि भारत काफी सक्रियता से $3 अरब की कीमत पर 5 आई-स्टार विमान की डील के ऊपर काम कर रहा है और बहुत जल्दी इन विमानों को खरीदा जाएगा, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए एक बेहद अहम प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ एक फोर्स मल्टीप्लायर का भी काम करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच में 5 आई-स्टार विमानों को लेकर $3 अरब की डील इंडिया यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव यानी कि DTTI फ्रेमवर्क के तहत होने वाली है। शुरुआती रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका भारत को 1 आई-स्टार विमान सप्लाई करेगा, जिसके बाद DRDO बाकी के 4 विमानों के सेंसर पैकेज पर काम करेगा और इस पूरे प्रोजेक्ट में अमेरिका और भारत काफी क्लोज कोऑपरेशन के साथ मिलकर काम करेंगे। DTTI को साल 2019 में प्रपोज किया गया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक इसके बारे में ना तो कोई खास खबर निकलकर सामने आई और न ही इसके बारे में कोई खास कदम उठाए गए, जिसकी वजह से ऐसा लगने लगा कि अब यह डील ठंडे बस्ते में आ चुकी है। लेकिन भारतीय वायुसेना के प्रमुख के इस बयान के बाद चीजें काफी हद तक साफ हो चुकी है कि भारत इस डील के लिए काफी सक्रियता से काम कर रहा है और बहुत जल्दी इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आई-स्टार विमान के अंदर बेहद एडवांस और शक्तिशाली सेंसर को इंटीग्रेट किया गया है, जो कि दुश्मन की मूवमेंट और लोकेशन के ऊपर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन प्रदान करते हैं। वहीं पर इसके साथ ही ये विमान कम्युनिकेशन को लेकर भी काफी ज्यादा अहम है। इस विमान से हासिल हुई जानकारी के दम पर सेना के अफसरों को युद्ध क्षेत्र में हो रहे बदलाव के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है, जिसकी बदौलत सही फैसले लिए जा सकते हैं ताकि युद्ध को जीता जा सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।